इत्तेहाद रमजान की इस ट्रांसमिशन में आपको फिर खुश आमदेद। और अब हम बच्चा पार्टी, जो कि नूर बड़े प्यारा कहते हैं, पाकिस्तान की सबसे अच्छी पार्टी, सबसे अच्छी पार्टी है बच्चा पार्टी के साथ। हम सारे बड़े जो हैं वो बैठ के खुद बच्चे बन गए हैं। मासूम पार्टी, वेरी गुड। और हम बात कर रहे थे आज दरख्तों की, तो कौन कौन बच्चा है हाथ उठाए जरा, जो दरख्त लगाता भी है और फिर उसका ख्याल भी रखता है। वाह वाह वाह, लगाना बड़ी बात नहीं, सवाल सुनने से पहले उठा दिया, बाद में उठाना ना। ख्याल भी रखता है, ख्याल रखते हो तुम? सही, सच सच बताओ, रखते हो? अच्छा ये बताएं कि आप जब बच्ची थी तो उस वक्त, नहीं आप अभी भी बच्ची हैं नहीं, लेकिन उस वक्त आपकी, आपको सबसे ज्यादा डांट किस बात पे पड़ती थी अम्मा से? मैं घर से साइकिल लेके निकल जाया करती थी साइकिलिंग करने के लिए, बगैर अम्मी को बताया, क्योंकि अम्मी से पूछती थी तो अम्मी कहती थी नहीं जाना, और मैं बगैर बताया निकल जाती थी। मुझे वापस आती थी तो अम्मी ने झाड़ू पकड़ा होता था। चपेड़े पड़ी? नहीं चपेड़े ऐसे नहीं पड़ी, लेकिन मुझे झाड़ू की जो बैक साइड होती है ना, यूं पकड़ती थी और वो पड़ती थी। और पंजाबी में झाड़ू को बॉकर कहते हैं, बॉकर पहनती थी, पड़ती बड़ी जबरदस्त है। और उस पे बस एक ही पड़ती थी तो मैं इतना हंगामा खड़ा करती थी, इतना मुझे दूसरी पड़ी ना, ऐसे में रिएक्ट करती थी कि बस लग गई इतनी बुरी तरह कि दूसरी की जरूरत ही नहीं। और ये नताशा से झाड़ू की बात करी, वो बांसों वाला फूल झाड़ू नहीं है, इसलिए बहुत जोर से लगता है ना, बांस वाला। अच्छा लेकिन ये बताएं कि कौन बच्चा है जो ऐसी वाली एक्टिंग करता है अपनी अम्मी के सामने, जरा सी पटाई हुई और उसके बाद उसने इतनी एक्टिंग की कि अम्मी डर जाए, दूसरा थप्पड़ ही ना मारे, कौन करता है? हाथ उठाओ, सच सच बोलो। ये मेरा बच्चा लग भी रही है, चेहरे से शरारती लग रही है। आपको क्या पड़ता है? थप्पड़ पड़ता है, झुटका पड़ता है, क्या पड़ता है? आपकी मम्मा आई नहीं यहाँ पे? थप्पड़ मैं बच्चे जल्दी से माइक पे बता दो, क्या पड़ता है मेरे बेटे को? थप्पड़। ओके अच्छा, और थप्पड़ जब पड़ जाता है तो फिर तुम इतना चिल्लाती हो है? नूर वो आपसे पूछ रहे हैं, आपको पिटाई हुई? मैं भी बताती हूँ, पड़ी हुई, पड़ी है पिटाई। बिस्मिल्लाह कह रहे हैं अम्मी अब्बा दोनों से? अम्मी से नहीं, नहीं मेरा ख्याल वो कोई इस तरह मार जैसे वो होते वो नहीं हुई, लेकिन मेरी छोटी बहन को एक बार पड़ गई थी मार, वो कुछ मेरे, तो वो फिर मैंने उनको कहा कि वो रुक जाए। हमारे घर में झूठ का जो है ना वो बहुत, उस पर बहुत स्ट्रिक्टनेस ही है, बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे। सही, एक सही। मुझे जिंदगी में थप्पड़ पची से पड़ा था, वो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था अचानक, मैं हंसता मुस्कुराता घंटा से तो वो मुझे, और मैं बड़ा बेहोश होने का स्पेशलिस्ट था, मुझे जब डांट पड़ती थी मैं बेहोश हो जाता था। आज आप पकड़े हैं, बड़ा ड्रामा देखा बच्चों। वो हुआ ये कि जब थप्पड़ पड़ा मैं बेहोश ही नहीं हुआ, तो मेरे को इसमें तो बेहोश होना बनता था, वो नहीं हुआ मैं तो वो, लेकिन ओके। आज आज हम बच्चों की एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? बड़े मजे का काम सिखा रहे हैं, सारे बड़े भी सीखे। अच्छा बेसिकली हम लोग कर ये रहे हैं कि हम लोग शाइस्ता बात कर रही है माहौल की, पौधों की। हाँ। हम थोड़ा सा माहौल से रिलेटेड बात कर रहे हैं। प्लास्टिक बॉटल्स हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, जूसेस पीते हैं, फेंक देते हैं, कचरा करते हैं, हम उसको रीयूज कर रहे हैं। गुल्लक या और फिर हम गल्ला कहते हैं पैसे जमा करने के लिए, वो बना रहे हैं। और बच्चे जो ये बनाएंगे, उसके बाद अभी ईद में कुछ दिन बाकी हैं, तो कुछ पैसे इसमें जमा करके ईद से पहले वो शेयर करेंगे अपने आस पास उन लोगों के साथ जिनको नहीं मिल सकता। समझ नहीं आएगा तो गल्ला भी बोल रहे हैं, गल्ला बिल्कुल सही। अंग्रेजी में मनी बैंक कहते हैं, बैंक का वो हम बैंक में जो पैसे सेव ही करते हैं, मनी बॉटल भी बन जाएगी। हम बेसिकली वही बना रहे हैं, घर में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं अलग से कोई चीज उस पर खर्च नहीं करेंगे। रैपिंग पेपर्स रखे हुए होते हैं घरों में, रिबन अक्सर हम सिलाई कर रही होती है बच जाते हैं, वो चीजें इस्तेमाल करते हुए बच्चों के साथ हम लोग गुल्लक बना रहे हैं। एक मैंने बनाया हुआ है, अगर आप लोग ये देखें तो इसमें पैसे कहाँ से डलेंगे ये तो बताएं। यहाँ पे यहाँ से देखे ना, ये इन्होंने यहाँ से काट दिया, यहाँ से कॉइन या आप उसमें से कैमरे पे भी कर लें, ये कट लगा के या आप इसे थोड़ा सा गर्म करके भी ऐसा कट एक बना सकते हैं, तो यहाँ से पैसे अंदर जो है वो चले जाएंगे। ईद से पहले निकल आएंगे और उनसे आप किसी भी अपने ऐसे दोस्त की मदद कर सकते हैं जिसने अभी ईद के कपड़े नहीं लिए होंगे, ईद की चीजें नहीं ली होंगी, है ना? वो हमारी हमारा भाभी है तो वो बड़ी होम इकोनॉमिक्स से उन्होंने वो किया हुआ एमएससी, तो वो ये करती हैं कि बॉटल्स में मट्टी डाल के और इनको पेंट करके तो दीवार पे लगा के वो मनी बॉक्स, वो जो मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट ग्रीनरी और वो सारा, तो उसके लिए भी बड़ी इफेक्टिवली यूज हो सकती है। पहले आप उसको पेंट करें, उसमें फिर मट्टी डालें और फिर दीवार पे आप पड़े एंगल के साथ आप। अच्छा मनी प्लांट की
अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ पानी में भी हो जाता है, तो आप किसी भी बॉटल में उसको लगा सकते हैं। और इस बॉटल का एक और फायदा ये है कि थेरेपी है, इसमें आप मट्टी भर के हाँ। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और आपने इसके पैर के नीचे रख के आप इस तरह पैर ऐसे बताएं, ये माँ आपने पूरी इस तरह की बॉटल लेनी है और मट्टी से भर लेनी है, सादी कोई भी मट्टी लेके उस पर आप खड़े हो जाए, खड़े हो मतलब उस पर वेट रख के खड़े नहीं होना है, एक पैर पे आपने खड़े होना है, ये आप खड़े हैं, ये आपका पैर है, आपने इस तरह उसके ऊपर पैर चलाना है, एक पैर आप चलाएंगे 5 बार, एक दफा ये अपना राइट साइड 5 बार, फिर आपका ये तो आपका जो अगर प्रेशर पॉइंट्स है वो जी आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और अगर आप बेलन पे रोटी भी करें तो उससे भी ब्लड प्रेशर कहते ठीक हो जाता है, उसका आपका क्या तजुर्बा है? एक्चुअली मुझे उसका तजुर्बा नहीं है, लेकिन इसका जो आपने रोटी नहीं बनाई, रोटी कभी नहीं बनाई, मैं रोटियां नहीं बनाती हूं, मेरे घर में कोई दूसरा बनाता है, लेकिन ये जो थेरेपी है इसका तो मुझे ये बिल्कुल है। और अगर आप जो मूवमेंट की बात करें, बेलन वाली मूवमेंट की बात कर रहे हैं, रोटियां बनाते हैं कि बेलन आपको पढ़ते हैं? ये पढ़ते होंगे, जो रोटी नहीं बनाते उनको पढ़ते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मूवमेंट की बात जो हो रही है, बिल्कुल जिस तरह पैरों की मूवमेंट है उसी तरह हाथों की मूवमेंट है, मैं इसको लेकर जाऊंगा सारी, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो मूवमेंट है जिस तरह पैरों की उसी तरह हाथों की मूवमेंट है, और आपका ब्लड प्रेशर